दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चेंज इवेंट के बारे में। ये चेंज इवेंट होता क्या है और ये हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है, यानी कि ये जो जेक्वेरी का जो इवेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं जेक्वेरी चेंज इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो चेंज इवेंट है या फिर आगे के जो तीन चार यहाँ पे वीडियो होने वाले हैं, ये इवेंट जो होंगे ये बेसिकली काम करते हैं फॉर्म के ऊपर। यानी कि अगर आपने कोई भी फॉर्म बनाया है, जैसे लॉगिन का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, या फिर कोई भी इनपुट यहाँ पे लेने का फॉर्म है, तो ये चेंज इवेंट वहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एचटीएमएल अगर आपने किया होगा तो उसमें एन इनपुट हम यहाँ पे लेते हैं, इनपुट टैग, यानी कि इनपुट टाइप हम वहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, या फिर चेकबॉक्स लिखते हैं, रेडियो बटन, जिस भी टाइप का हम लेते हैं, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो टैग होता है एचटीएमएल के अंदर, या फिर सेलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन की अगर कोई भी वैल्यू है तो आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे चेंज इवेंट की हेल्प से। यानी कि फॉर्म के अंदर अगर आपने कोई भी इनपुट करवाना है, या फिर अगर आपने माउस बाहर क्लिक कर दिया कुछ इनपुट करके, तो फोकस से रिलेटेड कोई काम करवाना है इनपुट बॉक्स के अंदर, तो वहां पे चेंज इवेंट को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास टेक्स्ट एरिया है जो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा एचटीएमएल की सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा ये सारी चीजें, जैसे कि इनपुट, टेक्स्ट एरिया या फिर सेलेक्ट, तो आप हमारे एचटीएमएल ट्यूटोरियल की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज इवेंट की मैं बात कर रहा था, तो ये फॉर्म कंट्रोल है, इनपुट टाइप अगर हमारे पास है कुछ, या फिर टेक्स्ट एरिया है, या फिर कोई ड्रॉप डाउन है, तो हम वहाँ पे चेंज इवेंट को फायर करके हम वैल्यू को अपने फेच कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक ड्रॉप डाउन है, अगर ड्रॉप डाउन के अंदर हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो हम उसको चेंज इवेंट की हेल्प से अलर्ट मैसेज में हम दिखाएं कि हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इनपुट फॉर्म है, अगर आप सिंपल से कोई भी एक छोटी सी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि अगर यूजर उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाले, अगर आप उसको फेच करके अलर्ट में दिखाना चाहें या कहीं और पे भी आप दिखाना चाहें, तो यहाँ पे चेंज इवेंट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये हमने पुराना यहाँ पे कोड किया हुआ था जिसके अंदर हमने की डाउन जो इवेंट था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपना हम कोड लगाएंगे। तो ये हम इसको डिलीट करते हैं और चेंज जो इवेंट है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। बाकी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि चेंज इवेंट का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। यानी कि ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, अगर उनमें से कोई भी यूजर सेलेक्ट करता है तो वो अलर्ट में यहाँ पे शो कराए कि उसने क्या सेलेक्ट किया है। ये सारा कुछ हम करेंगे चेंज इवेंट की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना होगा और फॉर्म के अंदर हम वहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर हम डालेंगे कुछ ऑप्शन जो यूजर सेलेक्ट कर सके। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ, एक फॉर्म की ओपनिंग और हम क्लोजिंग दोनों कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म, देन उसके बाद से लेबल डाल देते हैं ताकि पता लगे कि क्या चीज है इसके अंदर। ये हमारा लेबल है। तो मैं यहाँ पे आप कोई भी ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, जैसे कि नेम का भी हो सकता है, या फिर जैसे मैं नेम का ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ऐसे ही आपके पास किसी भी टाइप का अगर ड्रॉप डाउन है तो आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद से जो HTML के अंदर एक सेलेक्ट करके टैग होता है, उसी टैग की हेल्प से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को फिल करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं सेलेक्ट, और इसकी हम क्लोजिंग भी साथ ही साथ लिख देते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो jQuery.js हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को देख के यहाँ पे अगर इस काम को करेंगे तो ये आपका जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि कैसे हम इसको इम्बेड करते हैं। तो आप इस पार्ट को, फर्स्ट या सेकेंड पार्ट को जरूर देखें इससे पहले, तो आपको यहाँ पे क्लियर पता लग गया कि हमने jQuery.js को कैसे इम्बेड किया हुआ है अपने इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये हमने सेलेक्ट का टैग लगाया और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे, मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन होती है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके अंदर मैं तीन ऑप्शन डाल देता हूँ, यानी कि तीन नेम डालूंगा, तो इसलिए मैं तीन बार इसको कॉपी कर देता हूँ और नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे कि मैं एक डाल देता हूँ यहाँ पे राणा, दूसरा मैं डाल देता हूँ राहुल, और तीसरा मैं डाल देता हूँ विजय। ठीक है,
तो ये हमारे तीन यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन के आ गया है कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा नेम लेवल आ गया और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर तीन वैल्यू आ गई। तो अभी यहाँ पे कोई भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो अभी हमें कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करे तो अलर्ट बॉक्स में वो नेम आए कि जो उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके अंदर जेक्वेरी लगाते हैं ताकि इस चीज को हैंडल कर सके। तो जेक्वेरी के लिए सिंपल सा यहाँ पे फंडा ये है कि आपको सबसे पहले पिक करना होगा सेलेक्ट जो ये जो ऑप्शन है, ताकि इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन के अंदर ही अगर आप HTML में इस चीज को देखेंगे तो जिस भी ऑप्शन को अगर उसको लेबल लग जाता है सेलेक्टेड, तो वो वैल्यू वहां पे सेलेक्टेड हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहली जो वैल्यू होती है, अगर हमने यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू होती है वही सेलेक्ट होती है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो कि राणा यहाँ पे सेलेक्टेड है तो ये पहली वैल्यू सेलेक्टेड है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे यूजर सेलेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेलेक्ट है उसको पिक करेंगे। तो पिक करने का मैंने आपको बताया था कि आप टैग से या फिर आईडी से या फिर क्लास से पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टैग के नेम से ही इसको पिक कर लेता हूँ। तो टैग का नेम है सेलेक्ट, देन उसके बाद से हम यहाँ पे लगाते हैं डॉट और जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं चेंज इवेंट उसको हम लगा देते हैं। तो ये हमारा चेंज इवेंट है। इसके अंदर सिंपल जैसा हम हमेशा की तरह करते हैं, फंक्शन हमने कॉल किया और इसकी बॉडी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया बाय टैग नेम। अब हम क्या करेंगे कि इसको पिक करेंगे कि जो वैल्यू इसके अंदर सेलेक्टेड होगी, यानी कि जिस भी लेबल के आगे सेलेक्टेड और यहाँ पे आ जाएगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो कैसे पिक करेंगे, तो उसको हम पिक करेंगे डॉलर सिंबल से, सॉरी यहाँ पे डॉलर सिंबल देन उसके बाद से दिस। दिस का मैंने आपको बताया था कि मतलब दिस का मतलब ये हो गया कि सेलेक्ट यहाँ पे जो भी परफॉर्म किया, यानी कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये उसकी वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है, यानी कि करंट वैल्यू को पिक कर रहा होता है दिस। दिस का मतलब सिर्फ इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू आ रही है वो उसी को ही रेफर करेगा। यहाँ पे दिस किया हमने, देन उसके बाद से डॉट, हम यहाँ पे फाइंड जो एक और इवेंट है उसको हम लगाते हैं। आके आपको इसको डिटेल में देखना होगा तो आगे की वीडियो में मैं इसको बता दूंगा कि ये फाइंड कैसे काम करता है। वैसे फाइंड ये सर्च करता है, तो यानी कि इसने क्या किया कि ये पहले सेलेक्ट को पिक किया, देन उसके बाद से उसी के अंदर ये फाइंड कर रहा है, वो फाइंड कर रहा है सेलेक्टेड, यानी कि इस वैल्यू को सेलेक्टेड, ठीक है, इसको फाइंड कर रहा है। यानी कि जब भी हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो HTML के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू आ जाती है सेलेक्टेड, यहाँ पे सेलेक्टेड ऐसे करके आ जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी वैल्यू यूजर सेलेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए राहुल सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे सेलेक्टेड आ जाएगा। तो ये उसी को फाइंड करेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे सेलेक्टेड चेंज हुई है। तो ये फाइंड जैसे कर लेगा फिर वो इसके अंदर वैल्यू को पुल कर देगा, यानी कि यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो इसके लिए वैल्यू को पुल करने के लिए हम यहाँ पे वैल जो इवेंट है फंक्शन है उसको लगाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि इसने सेलेक्ट के अंदर जो भी ऑप्शन को सेलेक्टेड किया गया है उसकी वैल्यू को इसने फेच कर लिया। अब वैल्यू को फेच कर लिया तो हमें अलर्ट पे अगर शो करवाना है तो हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना होगा। तो हम ये क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेर करके यहाँ पे हम ले लेते हैं वेरिएबल और सेलेक्टेड ऑप्शन करके इसका हम नेम दे देते हैं और इसको कर देते हैं असाइन, यानी कि ये जो कुछ भी सेलेक्ट करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अलर्ट के अंदर प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें भी पता लगे कि कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है। तो आप इसको अलर्ट से भी करा सकते हैं, बाकी जैसी ही आपकी रिक्वायरमेंट है जो कुछ भी है आप उसको उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर लिख देते हैं कुछ मैसेज कि यू हैव सेलेक्टेड, और इसके बाद से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे दे देते हैं सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम इसको सेव करके इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे अच्छे से इवेंट लग गया तो नहीं। रिफ्रेश किया हमने, अब इसके बाद से हम यहाँ पे वेजेस सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव सेलेक्टेड विज है। ऐसे ही किसी और ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ राहुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज जो इवेंट है उसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इस चीज को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका इनपुट टाइप कोई चीज होता है तो आपको यहाँ पे इनपुट टाइप सेलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद से आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करके सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं।
या फिर सीधे आप HTML को पिक करिए, या फिर उसके अंदर ID क्लास है उसकी हेल्प से भी वैल्यू को आप पुल कर सकते हैं। यही वैल्यू, ये जो वैल फंक्शन है यही निकालता है उसके अंदर से वैल्यू को। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे चेंज इवेंट जो है ये फॉर्म कंट्रोल के अंदर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।